शहर की कुछ खूबसूरत इमारतों में से एक है निगम मुख्यालय का ये भवन। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है जो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से मेल खाती है। सफेद रंग की चादर ओढ़ा हुआ ये भवन अपने आप में काफी विशाल, भव्य और बेहद खूबसूरत है। नगर निगम का काम होता है शहर को खूबसूरत बनाना, लिहाजा इतने खूबसूरत भवन में बैठकर शहर को खूबसूरत बनाने के बड़े अच्छे अच्छे ख्याल ही आते होंगे। इस भवन को बने तकरीबन एक साल पूरा हो चुका है और इसी खुशी में निगम मुख्यालय में मंगलवार को आयोजन हुआ पंडवानी का, जिसमें प्रदेश की विश्वविख्यात पंडवानी गायिका ऋतु वर्मा का प्रदर्शन हुआ, जिन्होंने अपने पंडवानी में महाभारत की झलकियां उकेरते हुए लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के दौरान महापौर किरणमयी नायक के साथ साथ सभी MIC सदस्य और पार्षद गण नजर आए, जिन्होंने पंडवानी के इस कार्यक्रम का लुफ्त लिया। भगवान भक्त के लाल बचावर के छुआ बन गए के किलो के ताना ताना साग भाजी तो भैया जी का और भगवान के किलो के छुआ बन के सयंता जी आज हमार बात पर जा रही से तेकर से भी तो लागा है बिचारा है आज तो साग भाजी तक के तो तारा तू मत में तो थे नो नहीं ओकर पाए के खुद पा रहे हो तते ऐसे चीज ला पूछना जे मैं बता सकूं। अच्छा मैं हाथ धोना सारा जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज रायपुर। आज वर्तमान समय में भाटापारा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा नहीं किया गया है। कहीं कम रूप से तो कहीं ज्यादा रूप में कब्जाधारियों ने अपने पैर जमाए हैं। ऐसा ही एक मामला केशला जनपद पंचायत भाटापारा के आश्रित ग्राम मेंकरी में सामने आया है। ग्राम मेंकरी में गौठान से 4 धरसा पहुंच मार्ग है, जिनका उपयोग ग्राम वासियों के पूर्वजों के समय से निस्तारी रास्ते के तौर पर किया जा रहा है, जिस पर गाँव में ही रहने वाले सूरज के द्वारा अपनी निजी भूमि बताकर मार्ग में रुकावट डाल दिया है और मार्ग में कांटे डालकर उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। वहीं विगत एक साल से इस मार्ग पर अगर कोई गलती से भी गुजर जाए तो उसके साथ गाली गलौज के साथ साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस तरह मार्ग को रोक देने से ग्रामवासियों को खेती किसानी के कार्यों में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सूरज राम ने ही ग्रामीणों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज मेंकरी के रहवासी ने अपनी समस्या के साथ SDM कार्यालय का घेराव किया और अपनी बात अधिकारियों के सामने रखी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष सुशील शर्मा ने ग्रामवासियों का समर्थन किया तथा कहा कि समस्या अगर 4 दिनों के भीतर हल नहीं की गई तो भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मेंकरी में जाकर चक्का जाम किया जाएगा। ये ग्राम मेंकरी से लगभग 100 किसान यहाँ पे आए थे और जिला कार्यालय भी गए हैं, वहाँ से यहाँ पर आए। उनका समस्या ये है कि उनका जो कृषि कार्य के लिए जाने का जो रास्ता है गांव से उनके खेतों में जाने का रास्ता, वो कोई सूरज राम बल्द झुमुक राम जो है वहाँ का काशकार उसने बंद कर दिया है, तो भागड़ वागड़ लगा के तो इनको जाने नहीं दे रहा उस रास्ते से, और वो नियमित रास्ते के रूप में है प्रचलित पहले से बता रहे हैं गाँव वाले, और वो अभी भागड़ लगा दिया है, इससे वो कृषि कार्य के जाने में उसका अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बस इसी मांग को लेके कि अवरोध को हटाया जाए, इस मांग को लेके यहाँ पे आए थे। इसके निराकरण के लिए मैं अभी भेज रहा हूँ तहसीलदार साहब को निपनिया, तो वो वहाँ पे जाके वस्तु स्थिति देखेंगे क्या मौके का है, परीक्षण करके और रिकॉर्ड वगैरह देखने के बाद जो है वहाँ पे किस प्रकार से निराकरण होगा ये निरीक्षण करके ही बताएंगे। सर अवैध कब्जे की शिकायत, हर तरह की शिकायतें आती हैं, अवैध कब्जे तो हर गांव में है, अभियान भी चल रहा है और पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो प्रशासन जो है अकेले तो समर्थ नहीं कि हटा सके तत्काल, इसलिए पंचायतों को बोला गया है कि वे अपना पंचायत में प्रस्ताव पारित करें और जितने भी वेजे कब्जे हैं सबको चिन्हांकित करके और फिर दिन निश्चित करें कि वो वेजे कब्जा हटाया जाना है, और अपना प्रशासन का सहयोग मांगे तो तहसीलदार थाना पुलिस बल जो भी चाहेंगे वो यहाँ से भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत करी बाजार के आश्रित गाँव मेकरी में सूरज राम का आदमी आने जाने की जगह जो सड़क कही जाती है उसको उसने कब्जा कर रखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की ज़मीन को कब्जा करके उसने मकान भी बना लिया है, सरकार की ज़मीन को कब्जा करके उसने ब्यारा बना लिया है, और आज इस भाजपा सरकार में उसका आतंक इतना बढ़ गया है कि आने जाने के रास्ता को भी वो कब्जा कर लिया है। उस कब्जा को हटाने के लिए आज बेकरी के
समस्त ग्रामवासी कलेक्टर साहब के पास भी गए थे बोलदा बाजार में, जहाँ उन्होंने SDM साहब को निर्देश दिया कि तत्काल अवैध कब्जा हटाया जाए। उसके बाद सारे ग्रामवासी आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में SDM साहब से मुलाकात की है। SDM साहब ने अपने चैम्बर से बाहर आके उनकी बातों को सुनी और सुनकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं आज ही तहसीलदार को जांच के लिए भेजूंगा और जांच करके तत्काल प्रभाव से अवैध कब्जा को हटा दिया जाएगा। ग्राम केसला के आश्रित ग्राम मेकरी सूर्यराम पटेल जो है हमारे पूर्वजों की जो रास्ता है आम निस्तारी रास्ता है, चार धरसा माने गौठान से चार धरसा रास्ता है, उसको कांटे से रुन दिया गया है और हमारे ग्राम मेकरी के समस्त ग्रामवासी का खेती किसानी का जो कार्य है वो ठप हो गया है। और सूरज राम द्वारा फर्जी गांव के कोई किसी भोले भाले लड़के लोग बोल देते हैं कि भी आप चलने नहीं दे रहे हो तो हमारे ज़मीन में क्यों चल रहे हो करके, तो उसके नाम से फर्जी रिपोर्ट करके न्यायालय में थाने में परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिले और आज आकर के SDM साहब से हमारे सुशील शर्मा हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में हम लोग SDM साहब से मिले और उसने SDM साहब जी ने आश्वासन दिए हैं कि हम तत्काल उस कब्जे को हटा देंगे करके। सूर्यराम द्वारा पूरा हमारे शासकीय ज़मीन में मकान बनाया गया है, शासकीय ज़मीन में ब्यारा बनाए गए हैं और थोड़े से ज़मीन के लिए मेरे नाम पर है करके वो ग्रामवासी को चलने फिरने आने जाने से गाली गलौज और सीधा फर्जी माने तब्बल से लाठी से तलवार से मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है करके हमारे भोले भाले गांव के जो आदमी हैं उनको त्रस्त कर रहे हैं। बस इतना मेरे बच्चा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं रास्ता में रास्ता को रुन दिया है, इसलिए मैं यहाँ भाटापारा में राहत के पास में आया हूँ, कलेक्टर के पास भी गए हाँ यहाँ भी आए अब खाद में गिनती करा था मेरा रास्ता खुलवाता है वही मैं गिनती करा था। बहरहाल अब देखना है कि इस जमीन से जुड़ी जमीनी सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन गिरीश श्रीवास के साथ कोमल शर्मा, CG24 न्यूज भाटापारा। कोई है जो दिन रात करता है आपकी सेवा, कोई है जो नहीं चाहता आप हो दुर्घटना के शिकार, कोई है जो चाहता है आप चलें सावधानी से, कोई है जो चाहता है आप करें इनका सहयोग, तो इनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दें। यातायात नियमों का पालन करें और परिचय दें अपने अच्छे नागरिक होने का। जनहित में जारी।